साथियों, राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है, ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिग्दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब पिछड़े विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव के संबल बने, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। हम जानते हैं जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर, पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है।
वाकई वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है।